बीते हफ्ते प्याज के लिए ठीक ठाक हफ्ता माना जा सकता है। शनिवार को मंडी बंद होने तक करीब 200 रुपए तक की तेजी पूरे हफ्ते देखने को मिली। इस तेजी का कारण क्या था, आगे बाजार किस तरीके से कारोबार करता हुआ दिख सकता है और प्याज एक्सपोर्ट की क्या सब स्थिति है, जानेंगे पूरी तेजी मंदी और इसका भाव। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। आज है 29 मई और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। प्याज के भाव में लगातार मंदी के बाद एक हल्की सी तेजी बाजारों में देखने को मिली। तेजी की उम्मीद 15 मई से ही की जा रही थी, पर व्यापारियों को लगातार नुकसान होने की वजह से लिवाली थोड़ी कम नजर आई। पर पिछले हफ्ते में प्याज की लिवाली काफी अच्छी देखने को मिली, जिसके चलते लगभग हर मंडियों में प्याज के भाव में तेजी के साथ बंद होते दिखाई दिए हैं। इसके पीछे की वजह को समझेंगे, उससे पहले बात करते हैं प्याज के एक्सपोर्ट के बारे में। निर्यात फिलहाल थोड़ी धीमा चल रहा है। प्याज एक्सपोर्ट में भारत काफी आगे रहता था, पर पिछले कुछ सालों में इसके एक्सपोर्ट में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका असर यहाँ की मंडियों पर भी नजर आता है। बांग्लादेश भी अब भारत से इंपोर्ट किए गए प्याज से ज्यादा वहाँ की लोकल फसल पर ध्यान दे रही है, जिसके कारण बांग्लादेश की तरफ से भी डिमांड में कुछ हद तक गिरावट दिखी है। वहीं मलेशिया, वियतनाम और सिंगापुर की तरफ से डिमांड अच्छी बनी हुई है। भाव भी काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से मीडियम साइज की प्याज की डिमांड लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ की मंडियों में तेजी होने के पीछे बहुत सारी वजह निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजह रही आवक। महाराष्ट्र के ज़्यादातर मंडियों में पिछले हफ्ते प्याज की आवक काफ़ी कम देखने को मिली। एक औसत की बात करें तो लासलगांव मंडी में 13,000 से 15,000 क्विंटल तक की आवक हमें हर दिन देखने को मिली, जो कि सीजन पर काफ़ी कम मानी जा रही है। आवक कम होने का कारण रहा किसानों द्वारा अच्छी क्वालिटी का स्टॉक करना और कम भाव रहने की वजह से मंडियों की तरफ रुख काफ़ी कम कर रहे हैं। कम आवक को देखते हुए स्टॉकर्स भी स्टॉक की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण अच्छी क्वालिटी में तेजी बनी। अगले 10 दिनों के बाद महाराष्ट्र में मॉनसून आ जाएगी, मतलब लगातार बारिश का मौसम बना रहेगा। ऐसे में जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक खेतों में पड़ा है और उसको रखने की जगह नहीं है, वो सब मंडियों में बेच देंगे और केवल अच्छी क्वालिटी की ही स्टॉक में रखेंगे, जिसके बाद प्याज की आवक में फिर से एक बार गिरावट नजर आएगी और भाव में उछाल बन सकता है। मई जून के महीने में देश के बहुत सारी जगहों पर वहाँ की लोकल प्याज एक साथ निकलती है, यही वजह है कि इस महीने में प्याज के भाव में तेजी बन पा रही है। पर जैसे जैसे बरसात का मौसम आता जाता है, प्याज खत्म हो जाता है और फिर ज़्यादातर मंडियों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की प्याज की आवक ही पहुँचेगी। प्याज के भाव में अब हल्की तेजी और हल्की मंदी के साथ साथ बाजार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख सकता है। अब बात करें प्याज के भाव के बारे में तो नासिक प्याज मंडी में एकदम सुपर क्वालिटी की बात करें तो 1450 तक नीलाम किया गया। वहीं सुपर क्वालिटी की बात करें, जो कि अरब के देशों में ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो 1250 से 1400 तक देखने को मिली। डबल पट्टी मीडियम साइज का भाव 950 से लेकर 1100 तक देखने को मिल रहा है। वहीं पे मीडियम क्वालिटी की बात करें, जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, वो 850 से 950 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिली। मीडियम मोटा प्याज की बात करें, जो कि बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 800 से लेकर 900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। अगर हम बड़े साइज की हल्की क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 600 से 700 तक इसका भाव देखने को मिला। गोल्टा प्याज 400 से लेकर 550 मंडियों में देखने को मिल रही है। वहीं गोल्टी प्याज के भाव 200 से 400 तक है।